कि 1500 रुपया है और प्लस खाना है, नेट वोट फलान चिलान बहुत कुछ बताया था वो। अच्छा लेकिन कुछ ना, जिधर साइड अगर अच्छा है कोई कपिल बढ़िया है जिसका हाँ, काम करने गए, तो सब एक इंसान बराबर नहीं है ना। यहाँ सऊदी अरब में कंपनी में आने में फ़ायदा है जिस भी ऑपरेटर में या कफील के पास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं कि एक जीसीबी ऑपरेटर मिला है मुझे। तो आप लोगों को मैं पहले बताया था कि आउट एरिया में मैं आया हूँ सऊदी अरब में, तो एक जीसीबी ऑपरेटर वाला भाई मिला है, तो उनसे आज मैं उनका इंटरव्यू लूँगा और सारा चीज़ इस वीडियो में मैं पूछूँगा और आप लोगों को भी बताऊँगा कि सऊदी अरब में जीसीबी ऑपरेटर का क्या सैलरी होता है और कितना महीने के कमाते हैं, क्या ओवर टाइम भी होता है और क्या क्या उसमें, सारा चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखना और हाँ, मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो जेसीबी लगा हुआ है, तो वो भाई जो बैठा हुआ वही ऑपरेटर है, वही ड्राइवर है जेसीबी का। तो अभी मैं फटाफट चलता हूँ और डायरेक्टली उनसे ही बात करता हूँ डायरेक्ट कि क्या है जेसीबी का सऊदी अरब में सैलरी वगैरह और कितना कमाते हैं इंडिया का पैसा और रियाल कितना होता है। तो सारा चीज़ें इस वीडियो में फुल डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए फटाफट देरी ना करते हुए उस भाई को उससे बात करते हैं। आइए हो, नीचे नीचे ही आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई साहब? सब ठीक है, बढ़िया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहेल। आप कहाँ से हैं? यूपी से। तो आप सऊदी अरब में ये क्या करते हैं, ये जेसीबी आप चलाते हैं? हाँ, ये 2-4 साल हुआ है आए थे यहाँ पे, अच्छा यही मिल गया है। पहले तो 1 साल थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, हाँ उसके बाद है जो धीरे 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 जो है कि पहले तो 1 साल ये लोग चेकिंग किए कि कैसे चलाते हो कैसे हाँ नहीं क्या है, उसके बाद जो है कि अभी 3 साल से अच्छा, बढ़िया चल रहा है था काम धंधा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब आप शुरू में जब आए थे जेसीबी ऑपरेटर में तो हाँ यहाँ जो है पहले देखा था चलवा करके हाँ कि बहुत कैसा बहुत चलाता बहुत, है कैसे है? पहले तो 6 महीना तक के भरोसा ही नहीं किया कपिल हमारा। अच्छा उसके बाद जो है कि फिर मैं उससे जैसे जैसे अरबी मालूम पड़ गई तो मैं उसको बोलते गया कि नहीं तुम खौफ नहीं करो, हाँ ऐसा कोई बात नहीं होगा। तब हाँ जाके उसको धीरे धीरे तसल्ली हुआ। तो अब खैर मैं 2-2.5 साल से, अच्छा 3 साल से अब खुद हाँ चलाता हूँ, कोई रोक टोक नहीं करता है। अच्छा, तो अब ये बताइए सुहेल भाई कि आप सऊदी अरब में जेसीबी ऑपरेटर का ड्राइवर है, जेसीबी चलाते हैं, ऑपरेटर है जेसीबी का, तो आपको मान लीजिए कितना सैलरी पे आपको बुलाया गया था, कितना सैलरी पे आप आए थे यहाँ अरे सऊदी? वो पहले तो बोला था कि 1500 रुपया प्लस खाना, लेकिन आया तो खाना नहीं मिला, अच्छा 1500 ही मिला, तो बड़ा हाँ दिक्कत हुआ। हाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, 1600 रुपया तनख्वाह शुरू है। शुरू शुरू में दिक्कत हुआ हाँ, था। दिक्कत ये हुआ कि वो जो सामने वाला है बताया कि 1500 रुपया है और प्लस खाना है, नेट वोट फलान चिलान बहुत कुछ बताया था वो, लेकिन कुछ मिला नहीं। साल भर 1.5 साल बहुत परेशानी में गुजारा। अभी जो है कि 1500-1600 रुपया तनख्वाह भी है, ओवर टाइम ओवर टाइम लेके 50-55 पड़ जाता है इंडिया का। इंडिया के हाँ 50-55 हज़ार रुपया वो कमा लेते हैं, कमा लेता हूँ। मतलब 50 हाँ, मान 50 मान कमा के लेते हैं, चलिए। हाँ, उससे 50,000 रुपया ज़्यादा मान ही हो के जाएगा। चलिए। तो हाँ, ये कम नहीं कैसे होगा। मतलब ओवर टाइम और सैलरी ओवर टाइम, लगे? हाँ, सैलरी लेके अपना जिधर साइड अगर अच्छा है कोई कपिल बढ़िया है जिसका हाँ, काम करने गए, तो सब एक इंसान बराबर नहीं है ना, तो हो लेकिन जाता है। बहुत भाइयों का सवाल है, कमेंट है पर्सनल कि भाई यहाँ सऊदी अरब में कंपनी में आने में फ़ायदा है जेसीबी ऑपरेटर में या कफील के पास? देखो देखो तो दोनों सही है और देखो तो दोनों गलत है। अगर कंपनी बढ़िया है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया है, एजेंट बढ़िया है, तो वो भी सही है, और यहाँ पे है अगर सऊदी बढ़िया है तो ये भी सही है। कफील वाला में भी हाँ, अगर सऊदी कपिल बढ़िया वाला है में भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ के कितने लोग हैं, 2-2 महीना तक जेसीपी खड़ा ही रहता है, उनकी सैलरी चालू रहती है, देता है कपिल। अच्छा, मान लीजिए एक बात सुहेल भाई कि अगर आदमी आया यहाँ, ठीक है, अगर वो उसको जो है ओवर टाइम वगैरह सब भी एजेंट बोला कि ओवर टाइम भी मिलेगा और इतना कमाओगे, अगर मान लीजिए वो आता है और जो सैलरी मिलेगा बताएगा एजेंट वो मिलेगा, लेकिन ओवर टाइम नहीं मिलेगा तो उसको फिर कमाई तो उतना ज़्यादा नहीं होगा। नहीं, ओवर टाइम का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, अच्छा ये तो उल्लू बनाते हैं कि ये एजेंट फलाने का, कंपनी में इतना ओवर टाइम का कहीं एग्रीमेंट नहीं होता है। जो है प्रॉपर सैलरी का एग्रीमेंट वो होता है। इंसान के किस्मत हाँ, है, किस्मत लक है। बाय लक है, हाँ, अगर मान हमारे को लीजिए भी तो काम बोला ज़्यादा था। है कंपनी में या कफील के हाँ पास तो हाँ ओवर हाँ टाइम 100% हमारे को मिले। बोला था कि 4 घंटा ओवर टाइम मिलेगा, कहाँ 4 घंटा का एग्रीमेंट हो। मैं तो कपिल से जब अरबी मालूम पड़ गया तो मैं बोला, बोलता ला अच्छा ला आना इतफाक बसरा थी, यानी वो अच्छा बोलता है मैं सिर्फ तनख्वाह का बात किया था, मैं ये थोड़ी नहीं कहा था कि फला मिलेगा चिला अच्छा मिलेगा, ये सब ढकोचला है कि बोनस मिलेगा ये मिलेगा।
हाँ बड़ी बड़ी कंपनियों का एक एग्रीमेंट बनता है बोनस का कि 10 साल करोगे तो तुमको मिलेगा, 15 साल करोगे तो मिलेगा, ये एक ठहरी बात है। अच्छा। लेकिन ये कपिल के पास ये बोनस फोनस वाला थोड़ी नहीं सिस्टम में। तो मान लीजिए ये सब जो है ना, ये कहता है एजेंट लोग ये ओवर टाइम है, ये वो सब जो है ना, वो सब ज्यादा करके सही नहीं, सब आदमी को उल्लू बनाने के लिए। हाँ कंपनी है, सरीखा कबीर है, ये सब की बात अलग है। ठीक है, तो फोन आ गया क्या? हाँ। कट कर गया। तो मान लीजिए अगर कोई आदमी आना चाहता है तो आप क्या राय मशवरा दे सकते हैं? अब राय मशवरा ये चाहिए सऊदी अरब में या कुछ और कंट्री में जाना चाहिए? मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं हूँ, मैं साइट पे जाता हूँ, साइट पे आते जाते दो चार आदमी से परिचय है, बढ़िया कपिल है, तो वीजा लेके भेज दिया, तो एक अपना अकीदा है। लेकिन नए बंदे के लिए एक वीजा रहेगा, चार आदमी को उल्लू बनाते हैं। तो ये चीज मान लीजिए वीजा लेना चाहिए जो अगर कोई रिश्तेदार वगैरह है तो उससे बेहतर। हाँ बेहतर है, एजेंट द्वारा है तो बहुत से हर एक काम में जो है कि फेक बात बताते हैं वो सब। रहा सवाल बात किस्मत का, बस किस्मत का अपना उसका भाग किस्मत, भाग किस्मत, लेकिन एजेंट के बात तो अक्सर जो है ना बहुत कम ही ये होता है, यही होता सही होता है, आधा सही होता आधा गलत होता है। तो एजेंट द्वारा अगर आए तो वो पूरा जांच पड़ताल कर ले। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ आने के बाद फिर वो कितना भी आप साल भर छानबीन करो इंडिया में, यहाँ आने के बाद कोई उसका मकसद नहीं रहता। चलो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारा सुहेल भाई, जिस भी ऑपरेटर में सऊदी अरब में जिससे मैंने अभी बात किया हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जेसीबी ऑपरेटर का यही हिसाब होता है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा फुल तरीके से, फुल डिटेल में कि सऊदी अरब में जेसीबी ऑपरेटर में क्या तनख्वाह होती है और जेसीबी ऑपरेटर कितना सैलरी कमाता है महीने का। तो आप लोगों से यही कहूंगा, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। तो आज के वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।